बच्चों आज हम लोग कक्षा आठवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। नामिक शास्त्र लिए हैं, अध्याय छह है, अध्याय का नाम है कर टैक्स भाग दो। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कर क्या है, बजट क्या है, कर क्यों लगाया जाता है, कर कैसे आवश्यक है, कर का भार, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है करों के प्रकार। कर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर एवं वस्तु सेवा कर जीएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो करों के प्रकार प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिसका भार सीधे व्यक्ति पर पड़ता है, जो ठीक है दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जैसे प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, सरकार व्यक्तियों के जीवन यापन करने के लिए उसकी क्या बोलते हैं आय के लिए आर्थिक सीमा निर्धारित करती है। अगर उसकी आय उस सीमा से बाहर हो जाती है, ठीक है, अतिरिक्त तो हो जाती है, तो सरकार उस पर क्या लगाती है? कर लगाती है, जिसको हम प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। इसको उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर वह कर लगाया जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं संपत्ति कर होते हैं। बहुत से हमारी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मकान है, इस कर को नगर निगम वसूल करती है, जिसको हम संपत्ति कर पर लगाते हैं। जिसका आवश्यकता से अधिक संपत्ति होती है उन पर यह कर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। फिर हम आते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर नाम से स्पष्ट हो रहा है, सीधे उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, जिसका भार सीधे उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जैसे एक विक्रेता है वस्तु एवं सेवाओं को बेचता है, वस्तु एवं सेवाओं पर बेचता है, तो सरकार उस पर कर लगाती है, पर उसका भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति उस विक्रेता से वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करने के लिए उपयोग करने के लिए खरीदता है, उसको इस कर वस्तु के मूल्य के साथ इस मूल्य को देना पड़ता होता है, जो कर के नाम से जाना जाता है, जो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसको जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो गई, खाने पीने की वस्तुएं हो गई, इन बस इनको अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है। फिर हम आते हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। जीएसटी सरकार की आय एवं क्या बोलते हैं आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, सरकार इससे आय प्राप्त करती है। हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 को क्या किया गया था, चालू किया गया था। जीएसटी जिसको सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, ठीक है, जिसको देना अनिवार्य होता है, पर सरकार जीएसटी मनमाने ढंग से नहीं लगाती। पहले कर क्या बोलते हैं टैक्स सभी देशों में क्या होती थी, अलग अलग होती थी। जैसे क्या किया जाता, हर राज्य में कर क्या होती थी, अलग होती थी। जैसे क्या बोलते हैं, हम दिल्ली से कोई कार खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनको उसका मूल्य अलग होता था। रायपुर में वही कार खरीदे तो उसका मूल्य अलग होता था। कर मनमानी ढंग से लिया गया जाता था, पर इस पर अब क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर क्या बोलते हैं हर एक देश का कर क्या होता है, एक होता है। एक देश के प्रत्येक राज्य का कर क्या होगा, एक होगा, अलग अलग नहीं होगा। सरकार कोई कर वसूल करने में मनमानी नहीं करती, अतः सरकार क्या करती है जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाओं पर क्या लेती है, टैक्स लेती है। और उन्हीं टैक्स को वह विभिन्न प्रकार की योजना, शिक्षा की योजना, खेल कूद की योजना, मनोरंजन की योजना, साथ ही विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुख सुविधाएँ, सड़क, बिजली, अस्पताल, आवास की सुविधा, इन सब में सरकार क्या करती, निवेश करती, इन्वेस्ट करती है, लोगों को सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार जीएसटी सरकार की आय का स्रोत होने के साथ साथ हमारी भलाई का कभी कार्य करती है। ये है कर के बारे में, करों के प्रकार के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।